हाय दोस्तों, दिस इज़ शुभम और आज नए थिंकर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गुलिक एंड उर्विक और सेलेबस में जो नाम है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के टॉपिक में हम आज जो पढ़ेंगे वो है गुलिक एंड उर्विक। पिछले लेक्चर में हमने हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा था और जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासिकल थिंकर्स के अंदर गुलिक और उर्विक भी क्लासिकल थिंकर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, ये भी जो दोनों महाशय हैं वो क्लासिकल थिंकर्स के अंदर ही कैटेगराइज किए जाते हैं। तो अगर हम क्लासिकल थिंकर्स को अगर एक बार देखें तो क्लासिकल थिंकर्स में आपके आपके हो गए, सबसे पहले आ गए टेलर, फिर उसके बाद फेयोल, ठीक है, फिर उसके बाद आएंगे आपके गुलिक एंड उर्विक, फिर उसके बाद आपके एक और थिंकर हैं जैसे मैक्स वेबर का नाम ले सकते हैं। मैक्स वेबर का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर है मैक्स वेबर। फिर उसके बाद मैरी पार्कर फोलेट, मैरी पार्कर फोलेट करके एक महिला थिंकर हैं, उनके बारे में विल बी स्टार्टिंग अबाउट। ठीक है, तो फिलहाल आज हम गुलिक एंड उर्विक के बारे में देखेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, इनकी जो उनके जो थिंकिंग है, जो जो भी थ्योरी है वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के अंतर्गत ही आती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हमने पहले किसका देखा था, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल का हमने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देखा था, उसी कैटेगरी में गुलिक और उर्विक भी आते हैं। फिर इनका कहना था कि इनकी जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही एप्लीकेबल हैं, सेम जैसा कि हेनरी फेयोल ने कहा था। इनके साथ खास बात यह है कि इनके पास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस था। गुलिक एंड उर्विक के पास मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया था, इस वजह से उनके अंदर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके से मिलिट्री काम करती है और उसका कामकाज करने का तरीका क्या होता है, एवरीथिंग एवरीथिंग उनका आप देखोगे आने वाले, जब हम इनके बारे में देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी जो विचार है, इनके जो थिंकिंग है, इट इज़ यू कैन सी इन्फ्लुएंस ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इन देयर थियरीज। ठीक है, और बहुत सारे इनके जो विचार हैं वो फेयोल के प्रिंसिपल से मैच करते हैं। इवन आप कह सकते हैं कि गुलिक एंड उर्विक फेयोल के चेले थे और इनका भी फोकस मैनेजीरियल ही था। जैसा कि फेयोल का फोकस था मैनेजीरियल, सेम उसी तरीके से इनका भी फोकस मैनेजीरियल था। कहने का मतलब है कि मैनेजर्स की जो समस्याएं हैं उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में इन्होंने अपने विचार रखे थे। दे टॉक्ड अबाउट मैनेजीरियल प्रॉब्लम्स, मैनेजीरियल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे टेलर ने शॉप फ्लोर लेवल पे बात की थी, वर्कर के लेवल पे वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात टेलर ने कही थी, ठीक है, लेकिन फेयोल ने भी मैनेजर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात कही है। मैनेजर्स किस तरीके से मैनेजर को काम करना चाहिए, मैनेजर्स की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब कुछ फेयोल ने डिस्कस किया था। सेम उसी तरीके से गुलिक एंड उर्विक ने भी मैनेजीरियल फोकस रखा था। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो गुलिक का जन्म जापान में हुआ था और उर्विक का जन्म ब्रिटिश था। एक बार फोटो देख लेते हैं, ठीक है, दिस इज उर्विक गुलिक। इन एक का जन्म जापान में हुआ था, एक का जन्म ब्रिटेन में हुआ था और दोनों ही, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, कि क्लासिकल एरा थिंकर्स के अंतर्गत दोनों आते हैं। बोथ बिलोंग टू क्लासिकल एरा थिंकर्स। फिर इनकी बेसिक टीचिंग्स क्या थी, तो इनका भी मानना था कि रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करके साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जाना चाहिए। जिस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन में रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है ये काम ऐसे ही होता है, ठीक है, ये चीज़ हटाकर हमें साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को हैंडल करना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, वो चाय वाला जो एक जो मैंने एग्जांपल दिया था जब मैं टेलर के बारे में पढ़ा रहा था, सेम वही एग्जांपल आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हो उसमें साइंटिफिक कुछ बेसिस होना चाहिए, कुछ रैशनल बेसिस होना चाहिए। ठीक है, कि इट शुड ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोसेस हो वो ऑब्जेक्टिव हो। साइंटिफिक का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, साइंटिफिक होने का मतलब है ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है,
इम्पेरिकल हो, लॉजिकल हो, ठीक है, एनालिटिकल हो, एनालिटिकल हो, मेजरेबल हो, वेरीफाइबल हो, ठीक है। तो ये जब कोई भी बात हम इस बेसिस पे कहते हैं तो उसको साइंटिफिक कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि यूएसए दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, तो उसके पीछे मैं लॉजिक दे सकता हूँ, उसकी जीडीपी कितनी है, उसकी मिलिट्री के पास क्या पावर है, उसकी इकोनॉमिक पावर कितनी है, उसके पास और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसकी सॉफ्ट पावर क्या है। तो ये जो मैं एक बात कह रहा हूँ कि यूएसए इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो उसके पीछे बेसिस है एक साइंटिफिक, मैं एक साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, साइंटिफिक कुछ बेसिस दे रहा हूँ अपनी बात का, ठीक है। तो ये है, तो उन्होंने भी रूल ऑफ थंब को रिप्लेस करके साइंटिफिक अप्रोच की बात की थी। फिर जैसे कि फेयोल ने और जितने भी क्लासिकल थिंकर्स हैं, सबके बीच में समान बात यह है कि सबने ये कहा था कि उनके जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली अप्लाइड हैं हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके के सोशल या कल्चरल सेटिंग में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की हो, यूएस की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे यूरोप की हो, हर जगह पे, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनके जो विचार हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, वो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली एप्लीकेबल हैं, इक्वली एप्लीकेबल, ठीक है। कुछ हालांकि गुलिक और उर्विक क्लासिकल एरा थियरिस्ट माने जाते हैं, लेकिन इनके कुछ विचार जो है क्लासिकल एरा थिंकर से थोड़े हटके हैं। तो पहला क्या विचार सबसे हटके है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, कि उन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के फ्यूज़न की बात की थी, कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन समान है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो विल्सन ने क्या बोला था, वुड्रो विल्सन ने बोला था पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के डाइकोटमी की बात की थी, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के फ्यूजन की बात कही है। फिर इन्होंने यहाँ तक भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के पास एक्सपीरियंस होता है, इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटर्स should enter into the domain of politics. They must enter into domain of politics. ठीक है, फिर उन्होंने decentralization की भी बात कही है, ठीक है, they believed in decentralization. तो ये दो important difference है। पहला, जैसे classical thinkers ने क्या कहा है, dichotomy की बात कही है, ठीक है, dichotomy की बात कही है कि politics और administration अलग है, और दूसरा centralization की बात कही है, ठीक है। लेकिन गुलिक और उर्विक इस दो मामले में बाकी के क्लासिकल थिंकर से अलग हैं, उन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के फ्यूजन की बात कही है, और उसके साथ साथ उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर आर्ट साइंस के बीच में डिबेट की बात करते हैं। इनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट भी है और साइंस भी है, ठीक है। आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होता है, आर्ट मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल चाहिए होती है, डेट इज कॉल्ड आर्ट। अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अ टेक्निक, अ स्किल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड आर्ट। तो इनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है, क्योंकि इसके लिए जो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए, जो भी स्किल चाहिए, ठीक है, वो आर्ट से आती है। और साइंस भी है, क्योंकि साइंस के माध्यम से आप उस आर्ट को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इस वजह से साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो कहते हैं कि साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प इन इम्प्रूविंग आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विल हेल्प इन इम्प्रूविंग आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पर सब कुछ मैनेज करता है, ठीक है, मैनेज करना, सारी चीज़ों को देखना, फिर विजिलेंस रखना, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता है। तो ये मैनेजमेंट और ये बाकी जो विजिलेंस वाला काम है, इसको हम आर्ट कह सकते हैं, दिस इज़ एन आर्ट, ठीक है, क्योंकि एक स्किल है, दिस इज़ अ स्किल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। लेकिन इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, फिर विजिलेंस के लिए अगर हम ड्रोन्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, तो इसके माध्यम से, यानी कि ये साइंस है, साइंस के माध्यम से हम आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो कभी अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा, चाहे इंटरव्यू में या मेंस में लिखने को आया, कि एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है या साइंस है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर,
एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट और साइंस दोनों है, आई वुड से कि आर्ट ज़्यादा है लेकिन साइंस के माध्यम से हम उस आर्ट को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये कभी मत कहिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है, हमेशा यही कहिएगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है। और आर्ट और साइंस अगर मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मैं डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक सिविल सर्वेंट अगर है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना एक कला है, ठीक है, एक आर्ट है, लेकिन उस कला को और बेहतर किया जा सकता है अगर हम उसे साइंटिफिक तरीके से और मजबूत बनाने की कोशिश करें। गेटिंग इट? चलिए, फिर उन्होंने स्ट्रक्चर की बात कही थी कि स्ट्रक्चर्स आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि कभी भी गुलिक और उर्विक का कहना था कि एक मैनेजर का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है एक अच्छा स्ट्रक्चर, एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करना। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पे CEO है, फिर उसके नीचे कुछ ऑफिसर होंगे, फिर इनके नीचे कौन कौन होगा, ठीक है, फिर हायरार्की का फ्लो किस तरीके से होगा, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे कि हम अगर किसी एक हायरार्कल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो यहाँ पर कितने लोग काम करेंगे, ठीक है, ये किसको रिपोर्ट करेंगे, इनके ऊपर सीनियर बैठे होंगे, फिर इनके ऊपर कुछ और सीनियर बैठे होंगे, इनके ऊपर कुछ और सीनियर, इनके ऊपर कुछ और सीनियर, तो ये किसको रिपोर्ट करेंगे, इस आदमी के ऊपर ये जो बंदा बैठा हुआ है ये इसके ऊपर कौन कंट्रोल रखेगा, इसकी रिपोर्टिंग किस ऑफिसर को होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हमें बेहतर करना है तो गुलिक और उर्विक का कहना था कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना बेहतर स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन का उतना ही बेहतर ऑर्गेनाइजेशन उतने ही फ्लॉलेस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो इसी क्रम में गुलिक और उर्विक कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर इज टू क्रिएट अ गुड स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन्होंने स्ट्रक्चर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, ये याद रखिएगा, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द पीपल, तो लोगों से ज़्यादा स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस किया है। इसको हालांकि बाद में हम देखेंगे कि बहुत सारे थिंकर्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, लेकिन उनका चूंकि ये क्लासिकल थिंकर्स, इसी वजह से इनको कहा जाता है, सारे क्लासिकल थिंकर्स इंसान से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, फिर उन्होंने उर्विक ने स्ट्रेस किया कि डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जितना जैसे कि मैं बता चुका हूँ, जितना इम्पॉर्टेंट, जितना बेहतर डिज़ाइन होगा ऑर्गेनाइजेशन का उतने ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। ठीक है, तो वो कहते हैं कि ह्यूमैनिटी तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन को सबसे सही तरीके से स्ट्रक्चर ना कर लें। ठीक है, अगर डिज़ाइन अगर सही नहीं होगा, ठीक है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन सही लॉजिक पे काम नहीं करेगी, उसका काफ़ी वेस्टेज होगा और इनएफिशिएंट तरीके से काम करेगी। तो अगर हमें बेसिक सही तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है, उसको सही तरीके से फ्लॉलेस तरीके से अगर हमें चलाना है तो ज़रूरी है कि हम एक अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट करें। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करें, ना ही ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा हायरार्की हो, ठीक है, नई ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज़्यादा फ्लैट हो। बहुत फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी सही नहीं है, और बहुत हायरार्की वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारे लेयर्स हों, एक लेयर के ऊपर एक ऑफिसर, उसके ऊपर और ऑफिसर, फिर उसके ऊपर और, फिर और, फिर और, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं बहुत होनी चाहिए, इससे भी दिक्कत आती है। एक सही बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, फिर उन्होंने फिटिंग पीपल इनटू द स्ट्रक्चर की बात कही थी, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको आप नोट करिएगा, फिटिंग पीपल इनटू द स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर उसके बाद उसमें लोगों को बिठा दीजिए, समझ में आ रही बात? ये थोड़ा सा क्लासिकल थिंकर्स का एक तरीके से क्रिटिसिज्म भी है, उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि कौन सा इंसान किस हिसाब से, उसका इमोशन क्या है, उसकी काबिलियत क्या है, इंसान के ऊपर फोकस नहीं किया। ठीक है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी काबिलियत क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी मोटिवेशन क्या है, ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, और जब भी काम हो तो ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और उसमें जिन लोगों को जिस तरीके से बिठाना है बिठा दो। ठीक है, उन्होंने इंसान के इमोशंस पर फोकस नहीं किया। ठीक है, इसलिए ये कहते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट मैनेजरियल एक्टिविटी इज़ टू क्रिएट प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है,
फिर इसी वजह से, चूंकि उन्होंने स्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, इस वजह से इनको स्ट्रक्चरलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चरलिस्ट पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। देखिए, अगर हम फेयोल की बात करें तो फेयोल वॉज ऑल्सो ऑल्सो स्ट्रक्चरलिस्ट एंड फंक्शनलिस्ट। ठीक है, हालांकि फेयोल ने फंक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से काम करनी चाहिए, डेट इज़ कॉल्ड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बननी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका हुलिया डिज़ाइन क्या होना चाहिए, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो फेयोल और गुलिक उर्विक को अगर हम कंपेयर करें, तो फेयोल अगर हैं और मान लीजिए कि गुलिक एंड उर्विक को अगर एक साथ हम रखते हैं, तो फेयोल वॉज मोर, दोनों, एक तो दोनों ही स्ट्रक्चरलिस्ट और फंक्शनलिस्ट दोनों थे, दोनों ने ही स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों के ऊपर फोकस करने की बात कही थी, लेकिन फ्योल वॉज मोर फंक्शनल एंड गुलिक एंड उर्विक वेर मोर फोकस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। ठीक है, तो चलिए ये था आज का लेक्चर। अगले गुलिक उर्विक के चैप्टर में हम उनका क्या प्रिंसिपल्स क्या थे, पोस्टकॉर्प व्यू क्या है, और बाकी डिपार्टमेंट्स किस तरीके से बनाए जाने चाहिए, और बहुत ही और इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम उनका क्रिटिसिज्म, उनका एनालिसिस भी कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।